너무 अभी वो ये कलर और ये या तीशा टेल मी दैट कलर व्हिच कलर इज दिस शी विल टेल नॉट यू आर गुड ब्राउन व्हिच कलर इज दिस तीशा व्हिच कलर वेरी गुड सो अभी मेड आ गई है वो खाना बना रही है वहां पर और बच्चे टीवी देख रहे हैं और टीवी मैंने उन्हें बोला है कि कार्टून नहीं आज थोड़ा सा कार्टून बाद में देखना पहले अभी कलर्स वगैरह देख लो तीशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अभी थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी अभी मुझे ये सारा क्लीन करना है यहाँ से सारा ये बहुत ही ज़्यादा कचरा यहाँ पर हो चुका है इसको सारा क्लीन करूँगी और उस कमरे को भी क्लीन करना है बेडशीट वगैरह फोल्ड करनी है अभी बच्चों की क्लास ओवर हुई है अब हुई है जाके मतलब अब हो रहे 11:30 में तीशा की क्लास ओवर हुई है आराधा की क्लास 11:00 ओवर हो गई थी और तीसरा क्लास आधा घंटा ज़्यादा लेती है तो 11:30 उसकी क्लास ओवर होती है और सुबह 9:30 से क्लास स्टार्ट हो जाती है दोनों की क्लास 9:30 से स्टार्ट हो जाती है तो आज तीसरा थोड़ा सा लेट हो गई थी बट आराध्या टाइम से उठ के आराध्या ने क्लास अटेंड कर ली थी हमने उसे उठा दिया था तो या अब मैं ये सारा क्लीन करती हूँ और उस कमरे में भी थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ मेड खाना बना रही है शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी मैंने उसे बोला है बनाने के लिए वही बना रही है साथ में रोटी और शायद रायता ठीक है अरे वॉल्यूम कम करो टीवी की वॉल्यूम कम करो तो मेड अभी खाना बना के चली गई है और शिमला मिर्च आलू की सब्जी और दही और रोटी है जो हम खाएंगे लंच में लेकिन अभी मैं नहीं खा रही हूँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना क्लॉक लग रही थी वो क्लॉक अभी ख़राब हो चुकी है तो हमने हटा दिया उस क्लॉक को लेकिन अभी टाइम हो रहा है मैं एक मिनट बता देती हूँ आपको
12 o'clock हो रहा है टाइम और अभी मुझे भूख नहीं लग रही, तो मैं जा रही हूँ अपनी कॉफ़ी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है कॉफ़ी पीना, और तो मैं भी बनाती हूँ, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। ये देखो, ये शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना चुकी है वो, और यहाँ रोटी है इसके अंदर, और मैंने रात के लिए बीन्स बना के रखवा दी है। अब मैं, ये गंदा हो रहा है एक्चुअली, यहाँ सामने ही खिड़की है तो खिड़की से यहाँ पर इतना ज़्यादा डस्ट आता है कि डस्टिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो कभी कहीं की डस्टिंग करती हूँ तो कहीं की छूट जाती है डस्टिंग। अब मैं इसे पानी ले रही हूँ, हाँ इतना ठीक है, इतना काफ़ी है, लाइट ऑन कर देती हूँ। ऑलमोस्ट एक चम्मच हो गया ये, इसमें हो चुकी है, मतलब मैं स्पून से लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता चल जाता है एक्चुअली में, इतना टाइम हो गया ना बनाते बनाते। अब ये भी शायद ये डन हो चुकी है, ये कॉफी, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मैं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं करूँगी। What I do? ये लगाओ, आज मेरे को वो मेकअप पहनना है। ये लगाना आपको? चीला खाओगे? चीला बनाओ ना, मैंगो शेक। हाँ तो दोबारा बार बार मैंगो शेक ही बनाती रहूँ मैं। हाँ, what we bought, show it here, bought this and what? I didn't do any promise, Aradhya. My game promise? No. बहुत गंदा हो चुका है प्ले करके। See the bed sheet. ये मैंने सब फोल्ड करके रखी थी, सब खोल दी खेलने के लिए। और ये देखो, ये लाइटिंग, दिवाली की लाइटिंग पूरी खोल के रख दी है यहाँ पर। ये see what mess they have created here. तीशा, ये मैस किसने किया? Who did the... Tell me. हाँ? This mess. हाँ? No, don't do that. No. No, 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 no.
इसके बाद शाम को हम लोग गए थे मार्केट, मैं दोनों बच्चों को लेके मार्केट गई थी और हमने वहाँ से ये देखी, ये पिन बोर्ड ख़रीदा है। ये पिन बोर्ड कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आता है, इसमें पिन से हम कुछ भी हैंग कर सकते हैं। ये मैंने मतलब कुछ भी नोटिस वगैरह कुछ भी हमें हैंग करना हो तो पिन से कर सकते हैं। और वो एक टेबल ली थी हमने, जो बेड टेबल होती है वो ली थी त्विशा के लिए, वो मैंने ली है। और ये कुछ और सामान है जो ये मैंने लिया है बाहर से, स्टेशनरी का सामान लेके आई हूँ मैं एक्चुअली। तो ये कुछ सीज़र है, नोटबुक्स हैं, और ये एक कलर्स हैं जो पेस्टल कलर्स होते हैं, और ये त्विशा के लिए क्रियॉन है, पिंस हैं, ब्रशेस हैं। तो ये सब मैं लेके आई थी मार्केट से शाम को बच्चों के साथ जाकर, ताकि थोड़ा सा सामान ना लेके रखे रखो तो सही रहता है, कुछ भी एक्टिविटी करनी हो तो। आराध्या को एक एक्टिविटी मिली भी हुई है तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसको लेके आ जाती हूँ और यूज़ भी आ जाएगा आगे, तो इसीलिए मैंने ये सारे बड़े बड़े कलर्स लेके आ गई थी। छोटे भी मिल रहे थे बट मैं बड़ी लेके आ गई, और सीज़र वगैरह चाहिए होती है। और यहाँ पर हम एक्टिविटी कर ही रहे हैं जो उसको कल के लिए मिली हुई है स्कूल से, तो हम दोनों बैठ के कर रहे हैं। मैं उसे बता रही थी कि कैसे कैसे कलरिंग करनी है, वाटर कलर में ना थोड़ा सा बच्चे को केयरफुल रहना पड़ता है, तो वैसे भी उसे एक्टिविटी करना बहुत पसंद है आराध्या को, तो ये हम दोनों एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे थे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अपने कमेंट्स मुझसे अपने सजेशन ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।